सीधा सामने खजराना मंदिर है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, दिस इज अभिषेक एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज का व्लॉग है खजराना गणेश टेंपल, जो कि बहुत पुराना है, बहुत एक्सट्रीमली बहुत पुराना है। आप सोच रहे होंगे मास्क पहन लिया? यस, लास्ट वीक मुझको वायरल फीवर भयंकर था, 3 दिन तक हालत एकदम टाइट थी, तो इसलिए मास्क कंपलसरी। अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा है जो कि बड़क वाटरफॉल का, तो ज़रूर जाके चेक करो, आई बटन में लिंक मिल जाएगी। एंड अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर जाके सब्सक्राइब करो पहले, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। एंड इंस्टाग्राम अकाउंट हैंडलर भी यहाँ पर दिख जाएगा आपको। यूट्यूब पर फ़ोटोज़ नहीं डाल सकते, जो भी फ़ोटोज़ क्लिक करना हो इंस्टाग्राम पर मिल जाएंगे आपको। हाँ, एक्चुअली टाइम हो चुका है 7:30 सुबह के। अभी क्या हुआ, मूसागढ़ी सिग्नल पे क्रॉसिंग पर सिग्नल चालू था, पर सुबह के 7:30 बजे जनरली कोई फॉलो करता नहीं है, क्योंकि पुलिस वाले भी नहीं है। तो मैंने सोचा रुक जा लूँ, तो जैसे मैं रुका सब गाड़ियाँ मेरे साइड में सब रुक गई, और जब तक ग्रीन नहीं लगा तब तक कोई भी नहीं निकला। ये होता है इन्फ्लुएंसर बनने का, कि अगर आप रुकोगे तो सब गाड़ियाँ अपने आप रुक जाएगी, अगर आप निकल जाते तो सब निकल जाती, तो इसलिए रूल्स फॉलो करना चाहिए। ये लोगों मस्त सनराइज हो चुका है, आई होप दिख रहा है, ये इधर अब दिख रहा होगा शायद सनराइज। अब गर्मियाँ बढ़ना शुरू हो गई है, तो सुबह सुबह जितना ठंडा रहता है उसमें जल्दी जल्दी काम निपटा लेना चाहिए, क्योंकि बाद में कल भी अराउंड 38-39 डिग्री था टेम्परेचर। धीरे धीरे टेम्परेचर तो बढ़ता जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली 10 मिनट में तो पहुंच जाएंगे, 10 मिनट भी ज़्यादा बता रहा हूँ मैं, क्योंकि बस एक फ्लाईओवर क्रॉस करना है और सिग्नल से यू टर्न मारना है। सो गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं खजराना गणेश टेंपल। ये पीछे पेड़ की वजह से दिख नहीं रहा है। सो अभी हम लोग चप्पल सैंडल्स यहीं पर निकाल देंगे एंड बस चलते हैं। चलो अब जल्दी से जाके दर्शन करते हैं। इनके अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, तो जितनी भी शूटिंग होगी मोबाइल से करूंगा अपने। अगर कुत्तों ने टॉयलेट करके रखी हुई है तो देख के जाना पड़ेगा। वो रखा जा रहा है गणेश टेम्पल, तो यहाँ पे जूते चप्पल निकाल सकते हैं। ये रहा प्रवेश द्वार। सामने खजराना मंदिर है, गणपति बप्पा बहुत है। तो मंदिर के दर्शन अच्छी तरह से हो चुके हैं, थोड़ी देर सीढ़ियों पर बैठे हुए हैं हम लोग, थोड़े उसके बाद आगे चलते हैं, बहुत सारे मंदिर है सबके दर्शन करेंगे। वो राम दरबार है उधर, श्री राम दरबार, चमन गणेश, तिरुपति बालाजी, लक्ष्मी नारायण मंदिर, साई बाबा का मंदिर। राम मंदिर के भी दर्शन हो गए। ये पूरा बात कर सकते हैं, 5-6 साल हो गए ये सब कंस्ट्रक्ट हुए हुए। और ये साईं बाबा का मंदिर है जहाँ पे शेड लगा हुआ है। महालक्ष्मी मंदिर,
राधा कृष्ण मंदिर है। थोड़ी धूप आ रही है लेकिन यहाँ पे सब दिए लगाते हैं। यह है साईं बाबा का मंदिर। ओके, आप ये बार कोड स्कैन करके पेमेंट कर सकते हो, दान कर सकते हो। जो साईं बाबा मंदिर के जो पंडित हैं वो मेरे पहचान के हैं क्योंकि वो बचपन से मुझको जानते हैं। जो वो छोटा था जब मैं यहाँ पर हूँ तब से वो मुझको जानते हैं अच्छी तरह से। अभी तो आया नहीं है, मतलब 9:30 बजे या 8:30 तक आ जाता है। तो सुबह सुबह आने के फायदे हैं, एक तो भीड़ कम, वेडनेसडे को भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है एंड संडे को भीड़ भी रहेगी आपको। तो भी इतने अर्ली क्योंकि अभी समर्स चालू हो गए इसलिए भीड़ है, नहीं तो इससे भी कम मिलती है। विंटर्स में तो बहुत कम आते हैं सुबह सुबह। दर्शन अच्छी तरह से हो गए गणपति गप्पा के, सब मंदिरों में भी अच्छी तरह से दर्शन हुए। अभी और कुछ मंदिर बचे हुए हैं वो भी कर लेता हूँ। शनि मंदिर इधर है, इधर ऊपर यहाँ पे अभी हम जाएंगे। एंड इस ये मंदिर इतना पुराना है कि यहाँ पे टेम्पो चालू हुई तो वहाँ तक आती थी, खजराना सर्कल जो है वहाँ तक आती थी, वहाँ से पैदल आना पड़ता है। फिर धीरे धीरे रोड कंस्ट्रक्शन हो गए, अभी तो मंदिर भी पूरा अच्छी तरह से नया बन गया, पार्किंग लॉट्स अच्छी बन गए। जो पार्किंग बहुत लिमिटेड थी या नहीं थी पहले तो बिल्कुल भी नहीं थी। सामने एक ग्राउंड है मंदिर के अपोजिट साइड में, उधर खड़ी करनी पड़ती थी। एंड बहुत पुराना मंदिर है, अगर आप गूगल करोगे तो आपको फैक्ट्स पता चल जाएंगे। पूरी वी आई पी कार पार्किंग, पहले यहाँ से एंट्रेंस है फिर वो बंद कर। ये जो रेड कारपेट जैसे बिछा है बहुत चुपता है, पैर में दियाला अच्छा रहता है। देखो नंदी यहाँ पे और किस मंदिर है, यहाँ पे देखो एक कृष्ण मंदिर है, देखिए और केला माता मंदिर है, अन्नपूर्णा माता मंदिर, भागवा माता मंदिर भी लिखा हुआ है। मस्त एकदम धूप उनके ऊपर आ रही है सनलाइट। फिर ये है हिंगलाज देवी, ये देखो मंदिर का बैक साइड है। देखो नंदी, नीचे महाकाल मंदिर, ऊपर चिंतामण गणेश मंदिर। बोला जाता है कि नंदी के कान में जो भी आप बोलोगे वो पूरी होती है। कभी वो जैसे लड़की कान में बोल रही थी, कुछ ना कुछ विश मांगते ही रहते हैं हम लोग भगवान से हमेशा। ये है विधवा गायत्री मंदिर, क्रोकोडाइल पर बैठी हुई है, पंडित जी भी बैठे हैं। पहले यहाँ पे सब दुकानें थी, यहाँ से एंट्रेंस था है अभी भी। पहले तो यहाँ पे मोर वोर भी दिख जाते थे क्योंकि इतना इतने घर वर नहीं थे, इतनी भीड़ भड़क्का नहीं थी, तो मोर आ जाते थे आसपास से। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर देना। यह है भैरव मंदिर, मतलब भैरव मंदिर। देखो मंदिर नो डाउट बहुत अच्छा कर दिया है। पहले तो हम लोग अंदर तक जाते थे गणपति, पहले तो हम लोग गणपति जी के
टच करके जा सकते थे, लेकिन अब शायद बंद कर दिया है, वो सिर्फ VIP लोगों को ही अंदर जाने देते हैं। हाँ यहाँ बैठो और थोड़ा जल्दी आना चाहिए तो अच्छा लगता ठंडा ठंडा। देखो कजराना गणेश मंदिर के पास में एक शिव जी का मंदिर है और एक माता जी का मंदिर है, वो भी हम लोग दर्शन नहीं कर सकते वहाँ पे, यहाँ रास्ता कर दिया है बंद, अब दूर से ही दर्शन करना पड़ेगा। लिखा है दर्शन करते समय फोटो सेल्फी लेना सख्त मना है, आधे साधन लोग वही करते हैं, सब टाइम है निकलने के लिए। मेरा खजराना आरती का तो समय सुबह रहता है, अभी पता नहीं क्या चल रहा है। यह है खजराना गणेश मंदिर, चलो आज का दर्शन हो गया अच्छी तरह से। पीछे स्क्रीन भी लगा हुआ है एक, उस पर लाइव दर्शन दिखाते रहते, पर अभी बंद है। प्रीमाइसेस तो सुंदर कर दी है, लॉक एक्यूप्रेशर का टाइम है क्योंकि हमने चप्पल निकाले हुए हैं कार में। ये देख लो प्रीमाइसेस एक और बार, यहाँ पे भी कार पार्किंग है, यहाँ पे थोड़ी अच्छी कार पार्किंग है वहाँ पे धूप में ही है। और ये है मंदिर, जूता स्टैंड और यहाँ पे सब दुकानें हैं इससे। अपनी कार खड़ी है उधर, मैं क्यों प्रेशर, थोड़ा बहुत नंगे पैर तो चलना चाहिए। तो गाइस आज का ब्लॉग करते हैं इधर ही एंड। तो ये रहा पीछे खजराना गणेश टेंपल, जय श्री गणेश, गणपति बप्पा मोरया। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए वेयर हेलमेट एंड सीट बेल्ट वाइल ड्राइविंग। मैं भी सीट बेल्ट पहन ही लूँ तो आप लोग बोलोगे कि खुद बोलते हो और खुद तो पहन ही नहीं रहे। चलो गाइस सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, तब तक के लिए वेयर हेलमेट एंड सीट बेल्ट, बाय।